नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मेरे सम्मानित भाइयों और बहनों, पिछले 9 वर्ष के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देश के अंदर हुए सकारात्मक बदलाव को नजदीक से महसूस किया है। वैश्विक मंच पर आज भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और पूरी दुनिया बड़े विश्वास के साथ संकट के समय भारत की ओर देखती है। भारत आज दुनिया के संकट मोचक के रूप में एक विश्वसनीय देश के रूप में खड़ा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य हो या गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का, प्रत्येक क्षेत्र में बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने अपनी 140 करोड़ की आबादी को उपलब्ध कराने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री जी के विजन को ही उत्तर प्रदेश ने अपना मिशन माना है और इसी का परिणाम है कि पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में जो भी सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिले हैं, ये उसी का परिणाम है। हमने प्रदेश के माफिया राज और भ्रष्टाचार से युक्त व्यवस्था को प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त, माफिया मुक्त प्रदेश के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया और इसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश एक विश्वसनीयता के रूप में देश के अंदर देखा जा रहा है। मैं इस अवसर पर जब उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव 2023 वर्तमान में प्रारंभ हुए हैं, उत्तर प्रदेश के जनता की बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखने के लिए आज डबल इंजन सरकार के साथ नगर निकायों में भी जनता की बुनियादी सुविधाएं और सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि वहां पर भी हम सब मिलकर के एक ऐसी नगर निकाय का गठन करें, ऐसे बोर्ड का गठन करें, हमारे शहर कूड़े के ढेर नहीं बल्कि हमारे शहर स्मार्ट सिटी के रूप में दिखने चाहिए। हमारे शहर की पहचान तमंचा लहराते हुए गुंडों से नहीं बल्कि टैबलेट हाथ में ले हुए स्मार्ट यूथ के माध्यम से होनी चाहिए और यह आपके द्वारा चुने गए नगर निकाय बोर्ड के माध्यम से ही संभव हो सकता है। प्रदेश के अंदर इस सकारात्मक पहल को आगे बढ़ाने के लिए लोकतंत्र के उस उत्सव को एक पर्व के रूप में लें। चुनाव प्रत्येक नागरिक का और प्रत्येक मतदाता का न केवल अधिकार है बल्कि कर्तव्य बोध के साथ भी हमें जोड़ने के लिए प्रेरित करता है और इसके लिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि डबल इंजन सरकार के साथ सहयोग के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में अपना योगदान दें। और याद रखना कि पहले मतदान फिर जलपान। धन्यवाद।